नमस्कार, मैं हूं कविता। इन दिनों भारत के एक एक पड़ोसी दोस्त उसे आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को छोड़ दें तो तमाम पड़ोसी देशों के साथ भारत के हमेशा से मजबूत और मधुर रिश्ते रहे हैं, लेकिन चालाक चीन ने ऐसी चालाकी चली है कि जिन पड़ोसी देशों पर भारत आंख मूंद कर विश्वास करता है, आज वही उसे आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले म्यांमार और अब नेपाल। चीन ने नेपाल को अपने 4 बंदरगाह और 3 लैंड पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत क्या दी। भारत की तमाम दरिया दिली और एहसानों को नेपाल एक झटके में भूल गया। भारत ने नेपाल को हमेशा से अपना छोटा भाई माना है, तभी तो सीमाओं पर लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के देशों में दाखिल हो जाते हैं। तो वहीं जब कुदरत का कहर नेपाल पर टूटा, तब मौके पर पहुंची भारतीय सेना ने उन्हें भूकंप जैसी त्रासदी से उभारा। और आज तक नेपाल सिर्फ भारत के ही बंदरगाहों पर निर्भर रहता था, लेकिन जैसे ही चीन ने अपने बंदरगाह इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, तुरंत ही नेपाल के हाव भाव बदल गए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐन मौके पर सैन्य अभ्यास से नेपाल ने इनकार कर दिया है। नेपाल ने भारत को बड़ा झटका दिया है। हाल ही में काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें शामिल होने के लिए खुद पीएम मोदी नेपाल पहुंचे थे। बिम्स्टेक उन 7 देशों का समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसमें भारत के अलावा म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान भी शामिल है। इस सम्मेलन में खुद पीएम मोदी ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके चलते पुणे में बिम्स्टेक देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रखी गई है, जो कि 10 सितंबर से शुरू होने वाली है। लेकिन इस बीच नेपाल ने अपने एक फैसले से सबको चौंका दिया। नेपाल ने साफ कर दिया है कि वो इस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेगा। दरअसल पिछले काफी वक्त से नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल समेत विपक्ष भी इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर सवाल उठा रहा था, जिसके चलते नेपाल के पीएम केपी ओली ने सैन्य अभ्यास से खुद को अलग कर लिया है। इस फैसले के पीछे नेपाली नेताओं का कहना है कि इस तरह की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल के संविधान के खिलाफ है और नेपाल के हित में नहीं है। संसद में मौजूद पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का फोकस सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। हम किसी भी देश के साथ या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री पैक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही हम मिलिट्री पैक्ट पर भरोसा करते हैं। ताज्जुब की बात है कि जो नेपाल हमेशा से भारत के फैसलों में उसका साथ देता आया है, आज वही नेपाल पीएम मोदी के सैन्य अभ्यास के प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। विशेषज्ञों के माने तो नेपाल के बदलते तेवर के पीछे चीन का बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से चीन नेपाल से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जमीन से घिरे नेपाल की भारत पर व्यापारिक निर्भरता को किसी तरीके से कम किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल का भी चीन की तरफ झुकाव बढ़ता ही जा रहा है, और शायद यही वजह है कि ऐन वक्त पर बिम्स्टेक देशों के सैन्य अभ्यास से नेपाल ने अपने हाथ खींच लिए। फिलहाल पुणे पहुंच चुके नेपाल के 3 सैन्य अधिकारी भी अब लौट जाएंगे। तो पीएम मोदी ने अपने शपथ समारोह में सार्क देशों को इसलिए न्योता दिया था ताकि पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हो सकें, लेकिन जिस तरीके से म्यांमार और नेपाल भारत को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की विदेश नीतियों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।